सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं आपको एक इशू के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस अभी मैं बस अपनी वीडियो एडिट करने के लिए बैठने वाला था, एडिट क्या मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी एक नई वीडियो पूरी रिकॉर्ड वगैरह कर ली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वॉइस ओवर और एडिटिंग वगैरह कर ली जाए। एंड गाइस तभी मैंने उससे पहले यूट्यूब को ओपन कर लिया और गाइस ये देखिए मेरे को क्या देखने को मिला है, हमारे चैनल पर आ चुकी है कम्युनिटी स्ट्राइक। तो गाइस आप देख सकते हो ये लिखा हुआ स्ट्राइक ऑन 29 दिसंबर, और मेरे को लगता है अभी मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ इसको अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 week 7 days बचे हैं जब तक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। और उसके अलावा गाइस इन्होंने वार्निंग दी है कि इसके अलावा अगर 2 और स्ट्राइक्स आ जाती है तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है। और बाकी इन्होंने एक वार्निंग 2 अक्टूबर की दे रखी, इसको भी कंसिडर करें, नहीं तो ये सिर्फ एक मतलब हमें क्या कहते हैं उसको, हम एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि बहुत पहले की बात है, मैंने ये देखो 13 नवंबर 2020 की मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये माइनक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं उससे रिलेटेड। तो उसमें मैंने किसी वीडियो पे देखा था कि अगर हम ये लिंक यूज करते हैं तो मतलब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड था, और तब मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, तो मैंने इस वाले लिंक को यूज किया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी वजह से ये स्ट्राइक पड़ी थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये कभी दोबारा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था ये गलत चीज है। और बाकी अभी जो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमें स्ट्राइक मिली है वो इस वाली वीडियो पे मिली है, हाउ टू डाउनलोड ग्रीन हेल गेम फॉर फ्री, और ये रिमूव हो चुका है, तो शायद से अभी हमें शो नहीं होने वाला है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं तो गाइस ये थी, और इस पे लिखा हुआ है कि अभी 3 मंथ्स के बाद यानी कि 29 मार्च को ये जाने वाली है, और मैं इसको अभी अपील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च कर ली है वीडियो बनाने से पहले, तो मेरे को पता चला है कि इसमें हम लोग मतलब जो भी गेम्स होते हैं जो कि पेड गेम्स हैं उनको हम लोग फ्री में यूट्यूब पर अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें कम्युनिटी स्ट्राइक्स पड़ सकती है और हमारा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज थी, ये देखो मैं अभी आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो शो करता हूँ, तो यहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड फॉर फ्री वाली प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी फ्री में चीज़ें डाउनलोड करने से रिलेटेड है, तो ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 17 वीडियोस हैं, और बाकी इनमें से सारी गेम्स भी नहीं। आप देख सकते हो ये जो ये तीनों हैं ये माइनक्राफ्ट के हाउसेस से रिलेटेड है। तो गाइज अभी मैंने एक काम किया कि जितने भी बाकी की मतलब सेफ्टी होनी चाहिए, तो जितनी बाकी की वीडियोज थी उनको मैंने प्राइवेट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ह्यूमन फॉल फ्लैट वाला गेम है, इसको मैंने यहाँ से प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट पॉकेटेशन ये वाला मैंने प्राइवेट कर दिया है, फिर ये गेटिंग ओवर इट ये फिर से माइनक्राफ्ट पॉकेटेशन का लेटेस्ट वर्जन होगा, और ये रैंक सिमुलेटर भी मैंने छोड़ दिया है, मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं, इसको भी मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में, शायद मिस हो गया होगा। और बाकी ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी सैन एंड्रियास मोबाइल के लिए थी, उसके बाद नीड फॉर स्पीड मोबाइल, हिटमैन स्नाइपर, और ये रियल फ्लाइट सिमुलेटर, एंड ये हमारा पीसी वाला नीड फॉर स्पीड है, इन सबको मैंने वो कर दिया प्राइवेट कर लिया, और उसके बाद ये पॉलीब्रिज 2, और अभी मैंने छोड़ दिया ये देखो ये वाला तो स्पायरल पार्कोर मैप है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर का है। और बाकी मेरे को लग रहा है कि मोबाइल के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये मैंने माइनक्राफ्ट एडिशन के लेटेस्ट वीडियो को भी छोड़ दिया अभी के लिए। और बाकी आप देख सकते हो बाकी सारा मैंने प्राइवेट कर दिया, और ये रैन सिमुलेटर को भी मैं भी कर दूंगा, तो मेरे को लग रहा है कि अभी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर आप लोगों को आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में ज्यादा पता हो इस इशू के बारे में, तो गाइज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं जरूर सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।